सुपर भात प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पार्ट 4 शब्द और वाक्य पढ़ने वाले हैं, जिसे हम इंग्लिश में वर्ड एंड सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड एंड सेंटेंस। ओके, पहले हम क्या पढ़ते हैं? शब्द। क्या पढ़ेंगे? शब्द। जब अनेक वर्ण मिलते हैं तो शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जब आपस में क्या, आपस में अनेक बहुत सारे वर्ण मिलेंगे तो क्या बनेंगे? शब्द बनेंगे। जैसे उन्होंने नीचे एग्जांपल दिए हुए हैं, क्या है? पहली पिक्चर किसकी है? गुलाब की। ग छोटा उ जमा ल आ ब जमा ब, क्या बन गया? गुलाब। ऐसे ही क छोटी ई की मात्रा है इसमें, जमा स आ जमा न, क्या बन गया? किसान। ऐसे ही आ जमा म, क्या बन गया? आम। ठीक है, ठीक है। परिभाषा क्या हुई? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। फिर इन्होंने इसमें जैसे अनेक वर्ण मिले हुए हैं, गुलाब को हम तोड़ेंगे तो मतलब अलग अलग वर्ण बनेंगे, वर्णों से फिर क्या बना? वर्णों को जोड़कर आपस में शब्द बन गए। ऐसे ही शब्द के भेद, शब्द के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। क्या है? सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ने पर बने शब्द का यदि कोई अर्थ निकलता है तो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जब वर्णों के क्रमबद्ध तरीके से जोड़ने से क्या बनेगा? जब उनका कोई अर्थ निकलेगा शब्दों का तो उसे सार्थक शब्द कहेंगे। जैसे गुलाब किसान, ठीक है। अब इनको हमने जोड़ा था तभी गुलाब बना था, किसान को, किसान के जो वर्ण थे उनको जोड़ के हमने किसान बनाया था। तो इससे क्या एक क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है। तो ये कौन से शब्द है? सार्थक शब्द है। गुलाब तथा किसान सार्थक शब्द है क्योंकि इनका निश्चित अर्थ निकल रहा है। ठीक है, फिर क्या है? निरर्थक शब्द। यदि वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से न जोड़ा जाए तो उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता। क्या नहीं निकलता? कोई अर्थ नहीं निकलता। ऐसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे ये है लाभगु, सान की, कोई ये वर्ड है, इनका कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं। आपने देखा कि लाभगु तथा सान की शब्द का अर्थ नहीं निकलता, ये शब्द इसलिए क्या है? निरर्थक शब्द है। शब्द वर्णों के योग से बनते हैं, इसलिए सार्थक शब्द बनाने के लिए वर्णों का सही जगह पर प्रयोग किया जाना चाहिए। क्या बोला है इन्होंने? कि शब्द वर्णों के योग से बनते हैं, इसलिए सार्थक शब्द बनाने के लिए क्या करना चाहिए? वर्णों का क्या करना चाहिए? सही जगह पर प्रयोग करना चाहिए। ये हमने क्या पढ़ा? शब्द पढ़े। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वाक्य के बारे में। क्या है? जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो वाक्य बोलते हैं। जैसे अब मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं क्या बोल रही हूँ? वाक्य बोल रही हूँ। वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। पहले तो जो शब्द बने वो वर्णों के मेल से बने, लेकिन जो वाक्य बने वो किससे बनेंगे? शब्दों के मेल से बनेंगे। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं? पक्षी उड़ रहे हैं। दूसरे में क्या है? बंदर पेड़ पर बैठा है। और तीसरे में क्या है? तीसरी पिक्चर में घोड़ा दौड़ रहा है। वाक्य बनाते समय शब्दों को उचित जगह पर प्रयोग किया जाना आवश्यक होता है। जब आप वाक्य बनाते हैं तो उस समय जो शब्दों का उचित जगह पर प्रयोग किया जाना चाहिए और आवश्यक होता है। ठीक है, शब्दों के उचित स्थान पर प्रयोग न करने से वाक्य गलत हो जाता है। शब्दों के अगर उचित स्थान पर हम प्रयोग नहीं करेंगे, उचित स्थान पर उनको प्रयोग नहीं करेंगे तो जो हमारा वाक्य है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे मैं हूँ जाता बाजार, इसका कोई अर्थ है? नहीं है। इस वाक्य में शब्द तो सही है लेकिन उनका प्रयोग उचित स्थान पर नहीं किया गया। देखो, मैं हूँ जाता बाजार, ये सारे शब्द तो सही है लेकिन इनको उचित जगह पर अच्छे से क्या नहीं किया गया? प्रयोग नहीं किया गया। उल्टे पुल्टे हैं ये, तो इनसे कोई वाक्य नहीं बन रहा, तो इसलिए यह वाक्य सही नहीं है। तो ये जो वाक्य है वो क्या है? सही नहीं है। ठीक है, देखिए ये वाक्य कैसे बनी है।
मैं जमा स्कूल जमा जा जमा रहा जमा हूँ, क्या बन गया इसे? मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्या बन गया? मैं स्कूल जा रहा हूँ। शीतल जमा पढ़ जमा रही जमा है, क्या बन गया? शीतल पढ़ रही है। ये कौन है? शीतल है, और ये क्या कर रही है? पढ़ रही है, ठीक है। तीसरी पिक्चर में क्या है? बिल्ली जमा चूहा जमा पकड़ जमा रही जमा है, क्या है? बिल्ली जमा चूहा जमा पकड़ जमा रही जमा है, क्या बन गया? बिल्ली चूहा पकड़ रही है, क्या बना? कि जो बिल्ली है वो चूहा पकड़ रही है। तो ये सारे वाक्य क्या है? सही है, और इनका उचित प्रयोग किया गया है, इनको शब्दों को उचित तरीके से प्रयोग किया गया है वाक्य बनाते समय, ठीक है। आई होप आपको जो ये है वाक्य और शब्द वो अच्छे से समझ में आए होंगे, तो आप इस पाठ को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना, ठीक है। और इस वीडियो में जो मैंने शब्द और वाक्य पढ़ाए हैं उनको अच्छे से समझना। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, डैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।